Hello, my dear friends. Welcome to my channel, The Wanderingman Abroad. Asim Bhardwaj. Happy weekend to all of you. Happy Sunday. और जो आज की वीडियो है दैट इज़ रिगार्डिंग करंट सिचुएशन इन थाईलैंड. तो इसमें आज हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि इस वक्त क्या हालात वहाँ बने हैं, ट्रैवलर्स को लेके, ट्रैवलिंग को लेके, कोविड के केसेस के क्या हालात हैं, क्या अरेंजमेंट्स हैं फॉरनर्स के लिए इस वक्त कंट्री में. ये सब चीज़ें जो हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं. और थोड़ा सा टाइम निकाल के जो है इस चैनल को पीछे जो है उसको सब्सक्राइब कर लो. ऑल्सो पुश द बेल बटन नोटिफिकेशन फॉर फ्यूचर ट्रैवल अपडेट्स थ्रू दिस चैनल. चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. ओके, तो शुरू करते हैं कोविड रिपोर्ट से. सबसे पहले सो वी हैव न्यू केसेस 5896, 5896 डेली केसेस हैं, 4769 टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं, 21,36,537 रिकवर्ड हैं, उनमें से 20,42,666. तो रिपोर्ट बुरी नहीं, अच्छी है. ओमिक्रॉन की थोड़ी सी बात करें यहाँ पे, तो रिसेंटली 252 लोग जो हैं उन्होंने विजिट किया है थाईलैंड, जिसमें से 64 लोगों की स्क्रीनिंग की गई थी एयरपोर्ट पे और वो सब के सब नेगेटिव निकले. ठीक है, अब जितने रिमेनिंग हैं उनको दे स्टिल सर्चिंग की वो मिल जाएं और उनका जो टेस्ट किया जा सके. ठीक है, ये ऐसा क्यों हुआ है मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो न्यूज़ में है मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ. इसके अलावा जो CCSA अथॉरिटी है वहाँ की, वो बहुत जल्दी सभी जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं न्यू ईयर इवेंट के, पार्टीज़ के, उनके साथ मीटिंग करने जा रहा है नेक्स्ट वीक. ठीक है, टू सेट राइट एक्सपेक्टेशंस एंड प्रिवेंशन मेजर्स फॉर कोविड-19 सेफ्टी. ठीक है, तो ये एक न्यूज़ थी, डेवलपमेंट थी. इसके अलावा अभी रिसेंटली एक इंटरनेशनल फ्लाइट जो है कोसामुई आइलैंड पहुंची है. सिंगापुर से वो फ्लाइट थी जिसमें 54 पैसेंजर्स जो थे ट्रैवल कर रहे थे और उन सबका टेस्ट किया गया, स्क्रीनिंग की गई, उनमें से कोई भी पॉजिटिव नहीं और किसी की भी हिस्ट्री जो है 8 कंट्रीज़ जो बैंड हैं कंट्रीज़ उनमें से नहीं है. ठीक है, इसके अलावा टोटल अगर देखा जाए कोसामुई में इस वक्त 11 अफ्रीकन टूरिस्ट हैं जिन्होंने विजिट किया नवंबर 15 के आसपास, और अब तक 11 हैं टोटल, जिसमें से 9 जो है नेगेटिव निकले हैं और जो 2 हैं उनके बारे में फिर भी कोई न्यूज़ नहीं है. इसके अलावा थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि कोई भी किसी भी किस्म का लॉकडाउन अभी कंट्री में नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि कंट्री के पास सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं और स्क्रीनिंग की फैसिलिटीज हैं कोविड को फाइट करने के लिए. सो दिस इज अबाउट ओमिक्रॉन और कोविड सिचुएशन आउट देयर. फिर थोड़ी बात करते हैं अब ट्रैवलिंग के बारे में. तो आपको जैसे मैंने बताया था पिछले हफ्ते एक वीडियो बनाई थी कि RT-PCR टेस्ट जो है रिप्लेस करने लगा फिर ATK को, एंटीजन टेस्ट को. ठीक है, तो गवर्नमेंट के ऊपर इस वक्त यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है कि किसी तरीके से RT-PCR की टेस्ट कॉस्ट को रिड्यूस किया जाए. दूसरी न्यूज़ ये है, डेवलपमेंट ये है कि इंडिया बहुत जल्दी 10 कंट्रीज़ के साथ ट्रैवल बबल अरेंजमेंट एस्टैब्लिश करने जा रहा है. ठीक है, नेगोशिएट कर रहा है अभी, और उसमें से लिस्ट में से एक नाम थाईलैंड का भी है. ठीक है, तो थाईलैंड के साथ बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है कि ट्रैवल बबल एस्टैब्लिशमेंट हो जाए. फिर बात करते हैं थोड़ी सी ट्रैवलिंग के रिलेटेड. तो जैसे मैंने पिछले हफ्ते वीडियो बनाई थी कि RT-PCR टेस्ट जो है वो रिप्लेस कर रहा है एंटीजन टेस्ट को, तो वो इम्प्लीमेंट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर्स हैं उसकी कॉस्ट को रिड्यूस करने में. फिर दूसरी डेवलपमेंट यहाँ पे यह है कि इंडिया बहुत जल्द जो है 10 कंट्रीज़ के साथ ट्रैवल बबल नेगोशिएट करने जा रहा है. ठीक है, उसमें से एक है थाईलैंड, तो यहाँ पे बहुत अच्छी न्यूज़ है. इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं आपको बताऊँ कि टैट का ये मानना है, टैट ने ये प्रिडिक्शन की है कि 5 लाख लोग सन 2022 से पहले थाईलैंड विजिट करेंगे. इसका मतलब क्या हुआ, दिसंबर चल रहा है, आज दिसंबर 5 है और मैं समझता हूँ कि दिसंबर का पहला हफ्ता भी जो है वो निकल गया है. तो ये क्लेम कर रहे हैं, ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 5 लाख विजिटर्स विल एंटर थाईलैंड. मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं बल्कि 5 लाख को एक बेस फिगर लेके चलूँगा यहाँ पे. ठीक है, मैं 5 लाख को बेस फिगर लेके चलूँगा. वो कह रहे हैं कि 5 लाख विजिटर्स आएंगे थाईलैंड में, और अभी जो करंटली फुटफॉल है अकॉर्डिंग टू देम वो है 1,33,000 लोगों का सिंस नवंबर 15th. ठीक है, अब नवंबर 15th का अगर है 1,33,000, तो मैं 5 लाख को अगर बेस फिगर लेके चलो अपने हिसाब से, तो वो बनता है कुछ 26%, विच इज़ 26% ऑफ 5 लाख. तो वो है 1,33,000. ठीक है, लेकिन मेरे ओपिनियन में मुझे ऐसा नहीं लगता कि 5 लाख विजिटर्स आएंगे. तो अगर मैं 5 लाख को फिर से बेस फिगर लेके चलूँ और मैं प्रिडिक्ट करूँ कि दिसंबर में कितने आएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो 14 या 15% से ऊपर लोग विजिट करेंगे थाईलैंड में. उसका रीज़न यह है कि ठीक है, काफ़ी लोगों ने पहले से अपनी टिकट्स बुकिंग्स वगैरह कर रखी होंगी दिसंबर पीरियड के लिए, क्योंकि हॉलीडे सीजन होता है, क्रिसमस का टाइम होता है, लेकिन सबको इस वक्त फ़्लाइट मिलना मुश्किल है, अवेलेबिलिटी नहीं है फ़्लाइट्स की. और ऑन द अदर हैंड थाईलैंड पास को आप देख लीजिए, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इशूज़ आ रहे हैं लोगों को कि लोग
अपने जो रिक्वेस्ट है रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं, बार बार रिजेक्शन आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं फिर रिजेक्शन आता है फिर ही सबमिट करते हैं, तो इस किस्म के सिनेरियोज को सामने रखते हुए मुझे किसी भी एंगल से नहीं लग रहा कि 5 लाख विजिटर्स आएंगे। और आप अगर 14-15% निकालें 5 लाख का, तो वो बनता है 70,000-75,000। तो मैं इतना ही फुटफॉल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दिसंबर 2021 में। तो मेरा सवाल आगे ये है कि RT-PCR की टेस्ट जो है, क्या वो इसलिए इम्प्लीमेंट कर रहे हैं क्योंकि 5 लाख विजिटर्स को ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं थाईलैंड में, या ये ओमिक्रॉन की वजह से जो है उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्या रीज़न है आई डोंट नो। लेकिन RT-PCR की टेस्ट की कॉस्ट को रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है, और उसका जो कॉस्ट है वो कुछ आसपास 80K के होनी चाहिए, तभी फ़ायदा है, अदरवाइज लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है इन सभी चीज़ों को करना, इन सभी चीज़ों के अरेंजमेंट करना, क्योंकि यूजुअली लोग, आपको पता, थाईलैंड जाते हैं तो बजट ट्रैवल्स के लिए जाते हैं, राइट। फिर इसके अलावा अभी थाईलैंड में रिसेंटली उन्होंने इलीट वीज़ा प्रोग्राम स्टार्ट किया है। इसके अंदर क्या है कि लोग लंबे समय के लिए थाईलैंड में रुक सकते हैं, 5 से 20 साल तक का इसका एक्सटेंशन आपको मिलता है। ऑल यू गेट इज स्टैम्प ऑन योर पासपोर्ट, ओके, ऑल यू गेट इज स्टैम्प ऑन योर पासपोर्ट, और आप थाईलैंड में अगर रहते हैं तो थाईलैंड में ही रह के आप उसे एक्सटेंड कर सकते हैं अपने उस वीज़ा को। वेल एनीवेज, मुझे नहीं लगता ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आपकी नॉलेज के लिए, इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव बाय द वे। और इसके अंदर कुछ कैटेगरीज हैं वीज़ाज़ की जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है, मतलब प्राइस, पीपल हैव टू पे अ ह्यूज प्राइस फॉर दैट, ओके। लोग काफ़ी पूछ रहे हैं, वीडियोज़ की फरमाइश कर रहे हैं कि आप थाईलैंड की वीज़ा पे बनाइए वीडियोज़, जो कि मैं पहले बना चुका हूँ, लेकिन मैं दोबारा एक रिवाइज वीडियो बना दूंगा खासकर स्टिकर वीज़ा के ऊपर, तो वो आपको मेरे चैनल पर आगे पीछे देखने को बहुत जल्दी मिल जाएगी। तो चलिए आगे बात करते हैं। फिर मैं जिस चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ जो मेरे दिमाग में आती है, वो है अल्कोहल कंजम्पशन। तो आपको पता है चेंग माई प्रोविंस है एक, और रिसेंटली वहाँ पे अल्कोहल की रिस्ट्रिक्शंस को कम किया गया, हटाया गया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि अल्कोहल सर्व करेंगे, जहाँ ईजिली मिलेगी, वो है चा आम करके है कोई, आई थिंक चा आम करके, आई एम राइट, हुआ हीन है, और 5 और डिस्ट्रिक्ट हैं इसके अलावा जिनके नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहे। यहाँ अल्कोहल बहुत ईजिली मिल सकती है। इनके टाइमिंग्स रहेंगे कुछ सुबह 11 बजे से लेके 2 बजे तक दोपहर के, और 2 से 5 के बीच में अल्कोहल नहीं मिलेगी, और शाम को 5 बजे से लेके 11 बजे तक अल्कोहल मिलेगी, ठीक है। सभी फूड वेन्यूज़ और रेस्टोरेंट्स वहाँ पे अल्कोहल सर्व कर सकते हैं, और जितनी भी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे, वो बेसिकली जो है, जो उनका स्टाफ होगा काम करने वाला, वो फुली वैक्सीनेटेड होगा, 2 से 3 उनके एंटीजन टेस्ट होंगे हफ्ते के अंदर, जो टेबल्स होंगे, अरेंजमेंट होंगे, वो उसके बीच में 1 से 2 मीटर का फासला होगा, और जितने भी वेन्यूज़ हैं जहाँ पे इनडोर सिटिंग अरेंजमेंट है, वो 50% कैपेसिटी के हिसाब से काम करेंगे, और जितने ओपन एयर वेन्यूज़ हैं वो 75% कैपेसिटी के हिसाब से काम करेंगे। मैक्सिमम गेस्ट जो हैं 1 घंटा अंदर रुक सकते हैं, अगर वो डाइनिंग के लिए जा रहे हैं और ड्रिंक्स के लिए जा रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में विजिट कर रहे हैं, तो उसका कुछ हिसाब किताब ऐसा सा रहेगा कि 1 घंटा ही वो बिता पाएंगे अंदर। पटाया की अगर बात करें तो पटाया में भी कुछ प्रोविंसेस, सॉरी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे कि कोहलान है, सी राचा, बैंग लेमोंग, एक है कोह सी चैंग, इफ़ आई एम राइट, ठीक है। तो ये हैं कुछ डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे जो जो ब्लू जोन्स में आते हैं, और वहाँ पे अल्कोहल बहुत इजीली मिल सकती है। टाइमिंग्स कुछ ऐसे से रहेंगे जैसे मैंने आपको बताया, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, प्रोटोकॉल है उनका, अल्कोहल का जो लॉ है उसके हिसाब से, जो अभी रिसेंटली उन्होंने बनाया है। और जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं वो SHA सर्टिफाइड होने चाहिए, ये यहाँ पे इन्होंने क्राइटेरिया रखा है। जितने भी नाइट क्लब्स हैं, पब्स हैं, बार्स हैं, ये यहाँ मसाज पार्लर्स हैं, अभी भी बंद रहेंगे वहाँ पे, ठीक है, अभी भी बंद है, उनको कोई परमिशन नहीं ऑपरेट करने की कहीं पे भी किसी भी एरिया में थाईलैंड के। अभी सिर्फ रेस्टोरेंट्स के पास ये राइट्स हैं कि वो अल्कोहल को सर्व कर सकेंगे, ठीक है। टाइमिंग्स जैसे मैंने बताया कि सुबह 11 से लेके 2 बजे तक दोपहर के, और 2 से 5 के बीच में सब कुछ बंद रहेगा, और 5 से लेके शाम के 5 बजे से लेके 11 बजे तक अल्कोहल आपको मिल सकती है, चाहे सुपरमार्केट हो, चाहे आप रेस्टोरेंट्स में डाइनिंग करने के लिए जा रहे हो, तो कुछ ऐसा सा है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ी कि सभी रेस्टोरेंट्स के पास ओपन एयर अरेंजमेंट्स नहीं है, ठीक है, काफ़ी इनक्लोज्ड। अगर आप जाएंगे थाईलैंड में पटाया, जिन्होंने नहीं देखा हम बता देते हैं कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे जो हैं क्लब्स बने हुए हैं और जुड़े हुए हैं एक साथ, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है लोगों की, और यूजुअली बहुत भीड़ होती थी किसी ज़माने के अंदर और कोविड से पहले, लेकिन वो जो है उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी तो इलीगल हैं जिनको तो तोड़ा जा रहा है, और
काफ़ी लोग लाइनों में लगे हैं SHA रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो इट कम्स विद अ कॉस्ट एक्चुअली, ठीक है, और यहाँ पे उनकी कुछ कंडीशंस हैं कि वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, एडिक्वेट लाइटिंग होनी चाहिए, फूड होना चाहिए अच्छा, हाइजीन होना चाहिए, तो इन सब चीज़ों की वहाँ पे थोड़ी कमी है, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि ये मैंने खुद विटनेस किया है। वेल एनीवेज, जो भी है, ये अपडेट था आपके लिए इस वीडियो के अंदर, और बहुत सारी वीडियोज थाईलैंड के ऊपर आती रहेंगी टाइमली मेरे चैनल के थ्रू, और जैसे वीज़ाज़ के बारे में डिमांड आई है वीडियो की, वो मैं वीडियो दोबारा से करने जा रहा हूँ फॉर योर रेफरेंस। और गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आपने ये वीडियो देखी पूरी, जिसने भी पूरी देखी, और अगर नहीं देखता कोई तो यार पूरी देखा करो, सारे अपडेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ भी फालतू या फजूल का मैं नहीं रखता वीडियो के अंदर, ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, मिलता हूँ सी यू।